हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेंस स्टाइल अप। मैं हूं मंजू और आज मैं आपकी एक और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आ गई हूं। यहां पर मैंने ऑर्गेंजा साड़ी को स्टेप बाय स्टेप ड्रॉप करना दिखाया है, तो अगर आप बिगनर है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि बहुत सारे ईजी टिप्स के साथ पहनना बताया है। सो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने अपनी साड़ी ले ली है। साड़ी वेयर करने से पहले पेटीकोट फुटवेयर एंड ब्लाउज वेयर कर लिया हमने। अब यहाँ पेटीकोट का नाड़ा मैंने देखिए नेवल के ठीक सामने बांधा है। जनरली मैं राइट में बांधती हूँ, बट ये साड़ी ट्रांसपेरेंट है तो आपको जो भी साड़ी ट्रांसपेरेंट हो उसका जो पेटीकोट है सामने की तरफ बांधना है ताकि वो प्लीट से हाइड हो सके। तो यहाँ पर हम अपनी साड़ी को ओपन करेंगे। ये वाला पोर्शन इसका पल्लू है हमारा, तो कभी भी हम साड़ी को उसके नॉन पल्लू से ड्रैप करना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हैं ये साड़ी थोड़ी सी हार्ड भी होती है, इसमें शाइन भी होती है और ये थोड़ा नेट की तरह ट्रांसपेरेंट भी होती है। तो हम साड़ी का एंड पार्ट इस तरीके से लेंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले अपने कमर में सेट करना है, राइट साइड से लेकर लेफ्ट साइड तक सामने की तरफ। आप देख रहे हैं अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग पहले आपको फैब्रिक को सेट करना है। ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अब आपका आ चुका है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग नापने के बाद, इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे एंड इसके बाद देखिए राइट साइड में मैंने साड़ी के कॉर्नर को टक किया इस तरीके से, फिर लेफ्ट वाले। अब जो हमारा सामने का पार्ट इस तरीके से आया, इसको अच्छे से पेटीकोट में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके थोड़ा सा मैं यहाँ पर झाड़ देती हूँ ताकि फैब्रिक अंदर चली जाए, टमी के पास फंस के फुली फुली ना दिखे। सो यहाँ पर देखिए अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग सामने का पार्ट हमने टक कर लिया है। अब हम साड़ी को लेते हुए यहाँ पर वन राउंड लेंगे सामने की तरफ। जब आप आती हैं राइट साइड की तरफ तो यहाँ पर आपको साड़ी को थोड़ा सा टाइटली से खींचना होता है ताकि बैक साइड में एक्स्ट्रा प्लीटें ना बने एंड इसके बाद से आप राइट साइड में अपनी लेंथ को चेक करते हुए टकिंग कीजिएगा। फिर हम बैक के भी पार्ट को अपने अच्छे से पेटीकोट में टकिंग करते हैं। इस तरीके से जो हमारी फर्स्ट राउंड की टकिंग है ना, काफ़ी टाइट फिटिंग नीट क्लीन होती है जिससे हमारा लुक भी स्लिम आता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट राउंड की टकिंग हो गई है। अब हम साड़ी को लेते हैं उसके पल्लू वाले पोर्शन पे जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जाते हैं, नहीं तो साड़ी बीच से मुड़ जाती है तो प्रॉब्लम आती है। अब देखिए पल्लू वाले पोर्शन को लेना है, बाकी साड़ियों को सामने छोड़ेंगे एंड इस तरीके से बैक से घुमाते हुए राइट की तरफ पल्लू वाले पोर्शन को निकाला है मैंने। लेफ्ट साइड में जो पकड़ा है उसे छोड़ देंगे और पल्लू का जो दूसरा कॉर्नर है उसे अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर हम प्लीट बनाने के लिए काफ़ी इजी ट्रिक का यूज़ करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड के फैब्रिक को कमर में मैंने टकिंग किया है ताकि ईजिली से प्लीट्स को मैं बना पाऊँ। अब जो राइट हैंड साइड की तरफ पल्लू का हमारा कॉर्नर है इसको अपने टमी के ऊपर इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है। अब आपको ये जो हमारी फोर फिंगर है ना, इसको इस तरीके से फैलाना है या फिर आपको जितनी भी चौड़ी प्लीट बनानी उतना फैलाइएगा एंड इसके बाद आपको पल्लू को इस तरीके से दबा लेना है टमी के ऊपर। एंड देखिए पल्लू का ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसको घुमाना है फिंगर के ऊपर से एंड इस साइड की तरफ आते हुए स्मॉल फिंगर से दबाएंगे। फिर इसी तरीके से हम दूसरी तरफ जाते हुए फिंगर में फंसाते हुए वन बाय वन सिकज़ैग करते हुए प्लीट्स बना लेंगे क्योंकि साड़ी काफ़ी ज़्यादा फिसलती है। इस तरीके से अगर आप प्लीट बनाएंगे तो प्लीट्स आपकी नहीं छूटेगी। अब देखिए लास्ट में जो मेरी प्लीट बनी है ना, इसका डायरेक्शन हमारा लेफ्ट की तरफ है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो ऊपर वाली प्लीट है वो लेफ्ट की तरफ होगी। अब हम ऊपर से देखिएगा इन प्लीट को वन बाय वन पकड़ लेंगे टमी का सहारा लेते हुए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फिसलती है इसलिए आपको इस तरीके से पकड़ते हुए इन्हें सिक्योर करना है यहाँ पर एक सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिक्योर कर लूँगी ताकि ईजिली से मैं आगे की प्लीट्स को सेट कर पाऊँ। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो मेरी प्लीट है ना, वो हाफ इंच मैंने चौड़ी बनाई थी एंड इसके बाद से हम प्लीट्स को सेट करेंगे। सेट करने के लिए यहाँ पर देखिए पहला तो प्रोसेस ये है कि आप साइड से थोड़ी सी दूरी पे झटकते हुए वन बाय वन इन्हें अरेंज कीजिए, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आप देख रही हैं इतना पोर्शन अभी हमारा रेडी हुआ, ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके रेडी करेंगे। बट जो दूसरा ट्रिक मैं आपको बताऊँगी, देखिए उस पर एक बार में शोल्डर की प्लीट्स बनेगी। इसके लिए देखिए आपको जो मैंने पल्लू की प्लीट्स बनाई है इसको लेना है और यहाँ पर अपने लेफ्ट वाले पैर के नीचे, देख रही है ये जो लेफ्ट वाला मेरा पैर है, इसके नीचे मैं इन प्लीट्स को दबा दूंगी एंड इसके बाद से आपको राइट वाले हैंड पे रखते हुए इन प्लीट्स को ऊपर की तरफ खींचना है। जो पल्लू वाला पोर्शन आ रहा है ना, इस तरीके से आप खींचेंगी। अब ऊपर की तरफ खींचते हुए हम सभी फैब्रिक को इकट्ठा करते हुए अपने राइट वाले शोल्डर पर रख लेंगे इस तरह से। इसके बाद हम इन्हें सेट करेंगे। अब सेट करने के लिए आपको जितनी लेंथ चाहिए आप उतना रेडी कीजिए। मैं देखिए यहाँ पर सेट करूँगी तो मेरा एक ही बार में बन जाएगा। तो इस तरीके से वन बाय वन मैं प्लीट को यहाँ पर खींचूंगी। एक एक प्लीट को जब आप पकड़ के खींचेंगी तो वो खुद ब खुद नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। देख रही हैं कितना इजीली से एक एक प्लीट्स मिलती जाती है। जैसे जैसे आप ऊपर से अरेंज करना स्टार्ट करती हैं, अंदर से एक एक प्लीट्स आपको दिखाई देना भी स्टार्ट हो जाती है। सो इस ट्रिक से अगर आप अपनी प्लीट्स को सेट करेंगी एक ही बार में आपकी शोल्डर की प्लीट्स यहाँ पर अरेंज होकर आ जाती है
और बार बार फिसलने या छूटने का डर भी नहीं होता है। सो इस तरह से हमने यहाँ पर अपनी प्लीट्स को वन बाय वन अरेंज कर लिया है। अरेंज करते हुए यहाँ पर अच्छे से आपको पकड़ लेना है ताकि एक भी प्लीट्स छूटे ना। अब जब आप प्लीट को अच्छे से पकड़ लेंगी तो यहाँ पर देखिए जो लेफ्ट पैर से आप फैब्रिक को दबाई है ना, इसको आपको हटाना होगा। उससे पहले यहाँ पर अच्छे से पकड़ते हुए देखिए मैं पैर को हटा दी एंड इसके बाद हमारी शोल्डर की प्लीट एक बार में रेडी हो गई है। अभी ये थोड़ी सी फूली फूली है तो इसे हम बाद में सेट करेंगे हैंड से प्रेस करते हुए। फिलहाल मैं पल्लू को सिक्योर करूंगी सेफ्टी पिन के हब से ब्लाउज के शोल्डर में ताकि मेरी पल्लू छूट ना जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिसलती है। तो देखिए यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाने के लिए सबसे पहले ये जो ब्लाउज के शोल्डर की स्टिचिंग है इसके एक या दो इंच बैक में आपको जाना है। प्लीट्स को ब्लाउज के फैब्रिक के साथ इस तरीके से पकड़ना है। इसके बाद सेफ्टी पिन लेनी है, ब्लाउज के अंदर से इंसर्ट करना है। जब आपको दिखाई दे या फिर समझ में आए कि हाँ इसकी शार्पनेस बाहर की तरफ आ गई है तो फिर थोड़ी सी दूरी पे वापस से अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए सेफ्टी पिन के लॉक को लॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से इजिली से सेफ्टी पिन लग जाती है। कभी भी शोल्डर के ऊपर सेफ्टी पिन ना लगाए नहीं तो पल्लू सामने की तरफ गिरता रहता है। अब ये जो सामने की प्लीटें हैं इन्हें भी अच्छे से अरेंज करके हम हैंड से प्रेस कर देंगे ताकि ये फूली फूली ना दिखे। इसके बाद पल्लू के अंदर वाले बॉर्डर को बस्ट एरिया पे सेट करेंगे। अब देखिए हार्ड फैब्रिक है तो नेक के पास चिपक जाएगी, तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए इसके लिए यहाँ पर हम फिंगर को रखेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। इसके बाद छोटी सी सेफ्टी पिन लेंगे एंड यहाँ पर ब्लाउज के अंदर से हम सिक्योर कर लेंगे। सो इस तरीके से सिक्योर करने से देखिए ये वाला पोर्शन आपका इस तरीके से पल्लू वाली प्लीट से कवर हो जाएगा, सेफ्टी पिन नज़र भी नहीं आएगी और आपका नेक के पास भी फैब्रिक नहीं चिपकेगा। अब ये देखिए हमारी प्लीट कितने अच्छे से बैठ गई है। अब हम पल्लू वाले पोर्शन को बैक से घुमाएंगे इस तरीके से, देख रही हैं बॉर्डर बिल्कुल भी ना मुड़े। इसको अच्छे से आपको टाइटली से खींचते हुए लेकर आना है। कमर के पास फैब्रिक को आप सेट करते हुए आपको राइट वाले पैर तक लेकर जाना है एंड यहाँ पर देखिए थंब को इंसर्ट करते हुए फैब्रिक को पकड़ लेंगे राइट हैंड साइड की तरफ। इसके बाद सेफ्टी पिन लेंगे। सेफ्टी पिन में इस तरीके से आप बटन, बीट, पेपर कुछ भी अटैच कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पेपर अटैच किया था एंड इसके बाद पेटीकोट को लेते हुए हम ज़िगज़ैग स्टाइल में सेफ्टी पिन लगाएंगे। एक बार में लगाकर नहीं छोड़ना है नहीं तो आपकी साड़ी फट सकती है। एंड पेटीकोट को लेते हुए ही सेफ्टी पिन लगाएं। सेफ्टी पिन लग जाने के बाद ये जितनी भी साड़ियाँ बच गई हैं इनकी हम प्लीट्स बनाएंगे, आप देख रही हैं। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड तक पहले तो फैब्रिक को खोल लेना है क्योंकि मैं राइट से प्लीट बना रही हूँ, आप चाहे तो लेफ्ट से भी बना सकती हैं, प्रोसेस सेम ही रहता है। अब यहाँ पर देखिए नेवल से चार अंगुल आगे जाएंगे और पहले आपको इस तरीके से फिंगर से पकड़ना है, देख रही हैं थंब और थ्री फिंगर। इसके बाद जो स्मॉल फिंगर थी उसमें फैब्रिक को फंसाना है, सामने थंब से लाकर पकड़ना है। आप देख रही हैं ये जो स्मॉल फिंगर है ना, मुझे काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे निकलती नहीं है, तो देखिए टमी पर रखते हुए प्रेस कर लीजिएगा हैंड से और फिर इजली से निकाल लीजिएगा और जब सामने आएंगी तो आपको थंब से पकड़ना है। तो इस तरीके से आप इजली से प्लीट बना सकती हैं। देख रही हैं मैं टमी का सहारा ले रही हूँ, हैंड से प्रेस कर रही हूँ। जब मैं आ रही हूँ ना सामने की तरफ, देखिए हैंड से दबाया फिर स्मॉल फिंगर को निकाला है मैंने। इसी तरीके से मैं वन बाई वन प्लीट बना रही हूँ क्योंकि जो ये ऑर्गेन्जा साड़ी या फिर कोई भी कड़क साड़ी होती है इनकी प्लीटें चौड़ी चौड़ी बनाई जाती है, इसलिए मैं इस ट्रिक का यूज़ करती हूँ ताकि मेरी प्लीट चौड़ी चौड़ी बने। अब अंदर की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ना होता है नहीं तो हमें टकिंग में प्रॉब्लम आएगी। अब ये प्लीट बन जाने के बाद इन्हें अच्छे से खोल के झटक देंगे। देखिए नीचे से काफ़ी ज़्यादा फूली फूली है तो इन्हें भी हम सेट करेंगे। उससे पहले हमें इन प्लीट को ऊपर से अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए कभी भी, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, साइड से हाफ ऑफ सेंटीमीटर का गैपिंग देते हुए अरेंज करना है। ऐसा करने से हमारी प्लीट काफ़ी अच्छे से नज़र आती है। सो इस तरह से प्लीट्स अरेंज हो जाने के बाद सभी प्लीट को पकड़ते हुए केवल फर्स्ट वाली प्लीट को हम ओपन करेंगे। राइट साइड में जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको लेते हुए हम फर्स्ट प्लीट को चौड़ी करेंगे। आप देख रही हैं कभी भी आपकी फर्स्ट प्लीट चौड़ी होनी चाहिए नहीं तो बाकी की प्लीट से दूर भागती है। अब हम अंदर से एक एक प्लीट्स को वन बाई वन पकड़ते हुए यहाँ पर झटक देंगे। तो देखिए हमने केवल फर्स्ट लेयर को छोड़ दिया है ताकि हमारी फर्स्ट लेयर ऊपर उठ के फर्स्ट प्लीट ना उठ जाए। अब यहाँ पर हम इन प्लीट को अरेंज करके सिक्योर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फिसलती है, इन्हें सिक्योर किए बिना आप बिल्कुल भी आगे ना बढ़िएगा। तो देखिए इन प्लीट को यहाँ पर पकड़ते हुए थोड़ा सा हैंड से प्रेस किया मैंने। इसके बाद इस तरह की मैं साड़ी पिन के हब से सिक्योर कर रही हूँ, आपके पास ना हो तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकती हैं। सो इस तरीके से हमारी प्लीट सिक्योर हो गई है। अब हम इजली से इन्हें सेट करेंगे क्योंकि काफ़ी फूली फूली है। तो देखिए आपको सेट करने के लिए पहले तो प्लीट को इस तरीके से उठाते हुए हैंड को, जहाँ तक आपका हैंड जा रहा है ना लेफ्ट वाला, वहाँ पे आपको साइड से वन बाय वन इन प्लीट को अरेंज करना है इस तरीके से झटकते हुए। इस तरह से झटकने से हमें आगे की प्लीट्स नज़र आती है जिससे हम इजली से इन्हें अरेंज कर पाते हैं। देखिए इतना पार्ट अरेंज करने के बाद फिर से मैं सेम साड़ी पिन के हब से सिक्योर कर रही हूँ। ये साड़ी पिन आपको इजली से ऑफलाइन ऑनलाइन मिल जाएगी।
अब सिक्योर हो जाने के बाद हैंड से प्रेस करेंगे ताकि फुली फुली ना दिखे। इसके बाद हम सेम प्रोसेस से नीचे की भी प्लीट को सेट करेंगे। आप देख रही हैं यहाँ पर आपको ऊपर साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए झुक जाना है नीचे की तरफ, एंड यहाँ पर साइड से हम वन बाय वन देखिए ऊपर से अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी साड़ी जो काफ़ी ज़्यादा फूली फूली हो, हार्ड हो, आपको एक बार उसे सेट करना उनकी प्लीटों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो फूली फूली दिखती और लुक भी ख़राब हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने अरेंज कर लिया, इसे हैंड से प्रेस करेंगे। जैसे आप हैंड से प्रेस कर देंगे बिल्कुल बैठ जाएगी, और एक बार आपकी प्लीट बन गई ना ऑर्गेन्जा साड़ी में तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। इसके बाद हम मेज़र करेंगे हमें कितना पार्ट अंदर पेटीकोट में टकिंग करना है। फाइनली हम वहीं पर अपनी प्लीट को अरेंज करेंगे। तो साइड से मैं यहाँ पर वन बाय वन एक एक प्लीट को पकड़ रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारी कोई प्लीट अंदर की तरफ दबी रह जाती है। इस तरह से हम सभी प्लीट को पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ पर देखिए अब नेवल के ठीक सामने रखते हुए उन प्लीट को टकिंग करना है। टक करने से पहले देखिएगा राइट साइड की तरफ जो मेरी अंदर की प्लीट है उसे मैं खींच रही हूँ, केवल फर्स्ट लेयर को छोड़ दिया है ताकि मेरी नीचे से कोई प्लीट छूट ना जाए और उसकी अनइवन सी फॉर साइड ना दिखे। प्लीट देखिए यहाँ पर अच्छे से पेटीकोट में टकिंग हो गई है। अब जो राइट साइड का ये थोड़ा सा ओपन पार्ट हमारा रह गया है, इसे भी टक करते वक्त आपको ध्यान रखना है आपकी फर्स्ट प्लीट ना खिसके और ना ही आपकी साइड से लेयर ऊपर की तरफ उठे। तो इस तरीके से टक करने के बाद अब ये पल्लू से कवर हो जाएगा। अच्छे से आपको ठीक करते हुए फैब्रिक को सेट कर लेना है यहाँ पर देखिए एक एक प्लीट को। एंड यहाँ पर मेरी साड़ी में फॉल नहीं लगी हुई है इसलिए नीचे से इसका लुक उतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट अगर फॉल लगी होती तो बहुत अच्छा लुक आता है। अब ये जो एक्स्ट्रा साड़ी पीन लगाई थी मैंने इसे रिमूव कर लिया है, और ये जो पल्लू वाला पोर्शन थोड़ा सा फूला फूला दिख रहा है इसको आपको इस तरीके से लेते हुए हैंड से प्रेस कर देना है। एंड इसके बाद से यहाँ पर आप हमारा जो फाइनल लुक है देख सकती हैं। सो इस तरीके से आप बिना किसी की हेल्प के परफेक्टली अपनी ऑर्गेन्जा साड़ी को ड्रैप कर सकती हैं। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है बट अगर आप वीडियो को स्किप किए बिना देखेंगी तो आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, मेरा ड्रैपिंग स्टाइल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड टेक केयर, बाय।